झारखंड के रामगढ़ में अलीमुद्दीन की हत्या के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए पूरे रामगढ़ शहर में पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। हिंसा की किसी और वारदात को टालने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अलीमुद्दीन के परिवार वालों का ये भी आरोप है कि हत्या में शामिल लोग बजरंग दल के हैं। उन्होंने न्याय की मांग की है और कहा है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। राजनीति का सब राजनीति करके बजरंग दल मिलके लोग बजरंग दल का आतंकवादी सभी मिलके पुलिस भी साथ है वहाँ। अलीमुद्दीन को भीड़ ने इसलिए मार दिया था क्योंकि उसकी वैन में बीफ होने का शक था। वैन को भी आग के हवाले कर दिया गया था। लोगों के एक समूह ने बाजरटाड़ गांव में उन्हें रोका और उन पर हमला कर दिया। उनकी वैन में भी आग लगा दी गई। पुलिस ने उन्हें भीड़ से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किसी की भी हत्या करना सरासर गलत है, यह कानूनी है और उसका सबसे सख्त कार्रवाई। गुरुवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इस तरह की हिंसा को गलत ठहराया था और लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की थी। उसके ठीक बाद ये घटना घट गई। देखना है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद नफरत के इन हमलों का सिलसिला कहां रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।